जहांगीरपुरी वार्ड नंबर 18 से टिमसी सुरेश शर्मा ने भरा नामांकन। आज धीरपुर आईटीआई स्थित नॉमिनेशन सेंटर पर श्रद्धानंद कॉलोनी, भलसवा डेरी व जहांगीरपुरी क्षेत्र से वार्ड नंबर 18 की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी टिमसी सुरेश शर्मा ने अपना नामांकन भरा। टिमसी सुरेश शर्मा अन्ना आंदोलन के दौरान से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है और बढ़ चढ़ कर पार्टी की हर गतिविधियों में भाग लेती रही है। साथ ही सामाजिक कार्यों में टिमसी व इनके पति सुरेश शर्मा सबसे आगे रहते हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान भी जिस तरह से इन्होंने लोगों की सेवा की थी, उसका भी इन्हें काफी लाभ इस चुनाव में मिलेगा। बादली विधानसभा के वार्ड नंबर 18 से टिमसी सुरेश शर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए टिमसी सुरेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी के विधायक अजेश यादव का शुक्रिया किया। टिमसी सुरेश शर्मा ने बताया कि विधायक अजेश यादव द्वारा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर काम करवाए जा रहे हैं, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। साथ ही इनके वार्ड में बहुत बड़ा कूड़े। सुरेश जी, नामांकन कर चुके हैं, किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या मैसेज लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जो दिल्ली की जनता है पिछले 15 साल से जो बीजेपी का कुशासन है एमसीडी में, इससे बहुत त्रस्त है और जनता भी चाहती थी कि चुनाव हो। आखिरकार चुनाव टालने की साजिश के बाद में 6 महीने टाला, 7 महीने टाला, आखिरकार चुनाव आ गए हैं। हमने आज नॉमिनेशन कर दिया है और हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। 15 साल बीजेपी के कुशासन के खिलाफ हम जनता से पूछेंगे। अगर कूड़े के पहाड़ दिल्ली वाले लोग हटवाने हैं तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और प्रत्याशी वार्ड है उसमें भी एक कूड़े का पहाड़ है। बिल्कुल जी, दिल्ली में 3 कूड़े पहाड़ है और इनकी साजिश ये है कि हर 16 कूड़े के पहाड़ और बनाने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा जो कूड़े के पहाड़ से परेशानी है हमारे वार्ड को है, वार्ड 18 जहांगीरपुरी को। तो इसलिए हम लोगों का ये कूड़े का पहाड़ का बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ में जो बीजेपी का भ्रष्टाचार है, ये भी हमारे चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है।